बिहार में नगर निकाय चुनाव से जुड़ी एक ताजा और बेहद खास खबर लेकर के हम आपके साथ जुड़ गए हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के हर अपडेट हमने सबसे पहले फर्स्ट बिहार के दर्शकों के साथ साझा किया है और इस वक्त जो आपको खबर बता रहे हैं, दरअसल वो कल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो चुनाव की घोषणा हुई और जिस तरह इस मसले पर सियासत देखने को मिली, और हमने सुबह खबर बताई थी आपको फर्स्ट बिहार के प्लेटफॉर्म पे कि किस तरह याचिकाकर्ता जो है पिटिशनर सुनील कुमार वो अर्जेंट हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। इसके बाद सरकार में अभी की स्थिति क्या है वो आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सरकार में इस बात को लेकर के बेचैनी है फिलहाल कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा नगर निकाय चुनाव को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के लिए कितना आसान होगा अपनी बात को रख पाना, सुप्रीम कोर्ट जिस डेडिकेटेड कमीशन की बात कह रहा था उसको अगर वाकई नजरअंदाज किया है नीतीश सरकार ने तो कोर्ट के अंदर उसके साथ क्या होने वाला है, यह भी फिलहाल सरकार के स्तर पर जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अभी जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक सरकार में बैठे जो लोग हैं वो इस बात का तोड़ या काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाता है कि ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले और डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं होने के बावजूद राज्य अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पे कैसे सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी अनुशंसा की और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है तो वाजिब है कि बेचैनी होगी, और जो हमारे जानकार सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सरकार में बैठे लोग इसका रास्ता निकाल रहे हैं और उसमें एक सबसे बड़ा कह सकते हैं दांव सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये खेला जा सकता है कि एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था जो 28 नवंबर का वो आदेश मिला नहीं बिहार सरकार को, पहली बात अगर ऐसी स्थिति है तो। दूसरी, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया उस निर्देश में जो बैकवर्ड कास्ट कमीशन की बात थी उसकी जगह पे इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनके कमीशन की टाइपिंग मिस्टेक हुई, ये हमने भी देखा था, ये तमाम लोगों ने देखा होगा, और अब सरकार में जो बैठे लोग हैं उसको आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बिहार में तो इस तरह का कोई कमीशन है ही नहीं, तो लिहाजा हम इस चीज को समझ नहीं पाए कि ये किस रिगार्डिंग और कैसे क्या चीजें हैं। लेकिन बेचैनी है सरकार में, और बेचैनी इस बात को लेकर के है कि सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई नीतीश सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देगा या सुप्रीम कोर्ट में नीतीश कुमार की सरकार के लिए फजीहत वाले दिन हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। अर्जेंट हियरिंग कब होगी कैसे होगी इसको लेकर के भी बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता इसके लिए तैयार हैं और जब भी होगी तो सबसे ताजा अपडेट आपके सामने हम लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल सरकार इस बात का रास्ता निकालने में जुटी हुई है, सरकार में बैठे लोग जुटे हुए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि इतनी हड़बड़ी या जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि डेडिकेटेड कमीशन क्यों नहीं है तो उसके बावजूद उसकी रिपोर्ट के आधार पर बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा कैसे कर दी गई, यह बड़ी दिलचस्प स्थिति है और सरकार के लिए उसकी परेशानी बढ़ाने वाली भी स्थिति है। और इस पर जो भी अपडेट होगा, चूंकि नगर निकाय चुनाव से जुड़ा मसला है तो वो सबसे पहले आपके साथ हम लेकर के हाजिर होंगे, आपको हर अपडेट फर्स्ट बिहार पे मिलेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे दर्शक हमारी खबर पर भरोसा करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।